हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि आप सभी ने इस बाइक का डिटेल रिव्यू देख लिया है और नहीं देखा हो तो भाई इस वीडियो के बाद देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो भाई आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे पल्सर 150 टॉप एंड वेरियंट स्प्लिट सीट के 5+ पॉइंट्स के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। एंड भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी आने वाली वीडियोस आप सभी जल्द से जल्द देख सकें। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे अपन इस बाइक के फर्स्ट पॉइंट की, जो कि रहने वाला है इस बाइक की ब्रेकिंग। अब भाई ब्रेकिंग कैसे रहने वाला फर्स्ट पॉइंट वो आपको बताता हूँ। इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट के अंदर ABS सिस्टम का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अगर बात करूँ ब्रेक साइज की तो ये मिलता है 280mm का। तो भाई 280mm का यहाँ पर आपको ब्रेक साइज दे रखा है, प्लस ABS सिस्टम के साथ ये वर्क करता है। बात करूँ अगर रियर के ब्रेकिंग की तो यहाँ पर आपको 230 यानी 230mm का डिस्क प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। अब भाई इस बाइक के अंदर आपको ट्विन डिस्क का सपोर्ट मिलता है एंड सिंगल चैनल ABS सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो इस टाइप से जो पहला प्लस पॉइंट है इसका वो है इस बाइक की ब्रेकिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा खास अपनी रहने वाली है। इसी के साथ अगर बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तो वो रहने वाला है इस बाइक के सस्पेंशन। फ्रंट में इस बाइक के अंदर आपको ट्विन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएगा, जिनका साइज काफ़ी ज़्यादा अपना बड़ा रहने वाला है। एंड अगर बात करूँ रियर के अंदर तो रियर में इस बाइक के अंदर आपको ट्विन नाइट्रोक्स के साथ एंड्यूरेंस के अपने सस्पेंशन देखने के लिए मिलेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वर्क करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको राइड निकाल कर देंगे, काफ़ी इजी एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको ये राइड निकाल कर देते हैं। फ्रंट के सस्पेंशन भी काफ़ी शानदार आपको इस बाइक के अंदर देखने के लिए मिलेंगे एंड रियर के भी काफ़ी बढ़िया इस बाइक के अंदर रहने वाले हैं। एंड इसी के साथ साथ भाई यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपनी वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आपको इस बाइक की प्राइस जाननी है तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको इस बाइक की ऑन रोड प्राइस जयपुर की भी बता दूंगा। बाकी ओवरऑल कलर कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि रहने वाला अपना तीसरा पॉइंट वो है भाई इस बाइक की डिजिटल मीटर कंसोल। यानी इस बाइक के अंदर आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिलता है। इस टाइप से पूरा सिस्टम रहने वाला है, काफ़ी शानदार। यहाँ पर आपको 12,000 RPM देखने के लिए मिल जाएगी, प्लस इस बाइक के मीटर कंसोल में काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक यहाँ पर आपको DTE, IFE, AFE जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ साथ 12,000 RPM दे रखी है। अपने DTE का फीचर काफ़ी बढ़िया इसके अंदर वर्क करता है। बाकी इसमें स्पीडोमीटर मिल जाएगा, न्यूट्रल लाइटिंग मिल जाएगी, ABS लाइटिंग मिल जाएगी, माल फंक्शन लाइटिंग मिल जाएगी अपनी, और इसमें आपको RPM लिमिटर भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अगर आप अपने हाईएस्ट RPM पर चलाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ब्लिंक होना शुरू कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है इस बाइक की सीट, यानी अपना चौथा पॉइंट है इस बाइक की सीट। काफ़ी शानदार, काफ़ी स्पोर्टी टाइप में यहाँ पर आपको सीट देखने के लिए मिल जाएगी। काफ़ी सॉफ्ट इस बाइक की सीट अपनी रहने वाली है। बाकी रियर में आप लुक भी देख सकते हैं, काफ़ी शानदार इस बाइक का लुक भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड भाई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लुक ये रहने वाला है। LED के अंदर पूरा सिस्टम रियर में आपको दे रखा है। बात करें अब नेक्स्ट एंड सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इस बाइक का इंजन, जो कि भाई लोग बाग दीवाने हैं जिसके। अगर बात करूँ इस बाइक के इंजन की तो 149.5 cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve ट्विन स्पार्क TTSI इंजन भाई इस बाइक के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। पावर फिगर की अगर बात करूँ तो 13.25 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है एंड 14 PS यानी 14 PS की पावर ये आपको निकाल कर देता है। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन रहने वाला है, काफ़ी बढ़िया रिफायरमेंट के साथ ही इंजन आता है एंड काफ़ी ज़्यादा जो है अपना लो मेंटेनेंस ये इंजन रहने वाला है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस बाइक के 5+ पॉइंट आपको कैसे लगे। एंड अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग की, तो भाई इस बाइक की ऑन रोड प्राइस रहने वाली है आपकी जयपुर के अंदर 1,42,000 रुपये, जो कि काफ़ी सही रहने वाली है। एंड भाई कुछ अफवाह आ रही है कि भाई इस बाइक को बंद कर दिया बजाज ने, तो भाई मेरे पास तो भी शोरूम पर अवेलेबल है जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी का कुछ पता नहीं, भी आने वाले टाइम में जो होगा वो आप सभी को जल्द से जल्द अपडेट मिल जाएगा। एंड अगर आपको किसी भी बाइक से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है तो भाई चैनल के ऊपर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस बाइक का डिटेल रिव्यू देख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी बाइक का डिटेल रिव्यू देखना है। एंड भाई इस बाइक का डिटेल रिव्यू अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ अगर आपको पल्सर 125 का भी डिटेल रिव्यू देखना है तो वो भी अवेलेबल है। एंड बजाज की ऑल बाइक्स यानी जितनी भी बाइक्स है, चाहे प्लेटिना से लेके पल्सर हो, सबके डिटेल रिव्यू अपने चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं एंड कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस बाइक का वाइब्रेशन टेस्ट देखना है तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर आपको P150 जो कि अभी बजाज की न्यूली लॉन्च बाइक है उसमें
और अपनी ओल्ड पल्सर क्लासिक वाली में, भाई क्लासिक में बना रहा हूँ इसको, या आप ओल्ड पल्सर कह सकते हैं। इसमें अगर आपको कंपैरिजन वीडियो देखना है तो भाई इसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी के लिए जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।